हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में मैं आपको किंडरगार्टन की कुछ बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बुक्स हैं और इससे मैंने भी अपने बच्चे को पढ़ाया है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड करती हूँ। एंड किंडरगार्टन केजी टू या यूकेजी के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। सो इससे पहले मैं आपको सारी बुक्स दिखाऊं, मैं वन बाय वन सारी बुक्स आपको दिखाऊंगी कि कैसी बुक्स हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं। सो आई वुड लाइक के प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा रिव्यू पसंद आए तो, एंड डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के काम आएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। सो मूविंग फर्दर, इसमें 13 बुक्स हैं, ये पूरा एक सेट आता है। आप इंडिविजुअल बुक्स भी ले सकते हैं, ये ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की बुक्स है, ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे कोई भी आप ऑनलाइन इसे ले सकते हैं, मार्केट में भी ये अवेलेबल है। ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की ये बुक होती हैं, इसकी प्री नर्सरी किंडरगार्टन सबकी बुक्स आती हैं। किंडरगार्टन की ये मैं बुक्स आज बता रही हूँ आपको, इनमें सारे सब्जेक्ट्स की बुक हैं। मैथ्स की इसमें 3 बुक्स हैं, मैथ्स वर्कबुक है जिसमें सारे ही कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं अपोजिट्स वो दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई हैं, शेप से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं, फिर 1 to 100 के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, मिसिंग नंबर्स, व्हाट कम्स इन बिटवीन, देन नंबर नेम्स, देन जो बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, साइंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारा इसमें है, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब कुछ इसमें दिया हुआ है। दिस इज़ वर्क बुक। इसमें इतनी इस पब्लिकेशन की यही एक ख़ास बात है कि इसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी सारी वर्कशीट्स हैं कि आपको इन अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई और बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्क बुक हो गई मैथ्स की, देन एक असाइनमेंट है जो कि साइमल्टेनियसली वही एक्टिविटीज़ इसमें चलती हैं, तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए बच्चे को मिल जाता है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा कॉपी में, नोटबुक में देने की ज़रूरत नहीं है। सो मैथ्स असाइनमेंट बुक, देन ये मैथ्स प्रैक्टिस बुक है। ये प्रैक्टिस बुक इतनी अच्छी है कि ये कॉपी में जैसे हम देते हैं उसी तरह से दिया हुआ है इसमें, तो जैसे कॉपीज़ कुछ बनी हुई होती हैं स्कूल से मिलती हैं तो आपको वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें इतना प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, 1 to 100 सारे देखिए इसमें नंबर्स और एडिशन सब्सट्रैक्शन हर एक्सरसाइज से रिलेटेड इसमें काफ़ी। तो 3 बुक्स मैथ्स की हैं इसमें, फिर इंग्लिश की भी 3 बुक्स हैं इसमें। इंग्लिश की वर्कबुक है, इसमें सारे CVC वर्ड्स की अलग अलग टाइप के बहुत अच्छी वर्कशीट्स दी हुई हैं, पिक्चर से रिलेटेड ड्रॉ करने के लिए आपको सारे साउंड्स रिलेटेड वर्ड्स की प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस, रीडिंग की प्रैक्टिस, देन मिसिंग अल्फाबेट्स, आपको वर्ड पूरा लिखना है, देन दिस दैट आर्टिकल्स, ए एन एंड एंड, सिंगुलर प्लूरल जो कि किंडरगार्टन का पूरा कोर्स होता है वो है, फिर ये जो होते हैं अपने ई साउंड वर्ड्स, ऊ साउंड वर्ड्स, इल साउंड वर्ड्स, ये सारे हैं, ऑन एंड इन का कॉन्सेप्ट सारा कुछ इसमें, राइमिंग वर्ड्स, ये एक बुक है, ऐसी 3 बुक्स हैं। ये हो गई वर्क बुक, देन जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस बुक है वैसे ही इंग्लिश प्रैक्टिस बुक है। इसमें भी आपको कॉपी में अलग से देने की ज़रूरत नहीं, इसमें वर्ड्स की राइटिंग की प्रैक्टिस है, इसमें सेंटेंसेस राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए है, ये बेसिकली राइटिंग के लिए होता है, फिर जो एक्सरसाइजेज उसमें दी हुई हैं वर्कबुक और असाइनमेंट बुक में वो सारी प्रैक्टिस के लिए दी हुई हैं, दीज, दोज, दिस, दैट से रिलेटेड वर्कशीट, सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड वर्कशीट। सो ये बहुत आपको कॉपी में अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इस इंग्लिश प्रैक्टिस बुक में हो जाएगा। फिर इंग्लिश असाइनमेंट बुक है, इसमें भी रीडिंग सारा कंसेप्ट समझाया हुआ है, बच्चे को रीडिंग के लिए आप पिक्चर के साथ रीड करा सकते हो। फिर मैचिंग, इसमें भी थोड़ी राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, सारे ही वॉवल साउंड्स के CVC वर्ड्स हैं इसमें। ये हो गया आपकी इंग्लिश असाइनमेंट बुक। सो इंग्लिश की 3 बुक्स, मैथ्स की 3 बुक्स, देन इंग्लिश राइम्स एंड स्टोरीज़ हैं इसमें, जो कि इसमें शुरू में राइम्स दी हुई हैं, लास्ट में कुछ स्टोरीज़ दी हुई हैं जिसे आप पढ़ के बच्चे को सुना सकते हैं। वैसे ही हिंदी की है,
हिंदी की बाल गीत एवं कहानियाँ, इसमें भी हिंदी राइम्स हैं शुरू में और लास्ट में यहाँ पे हिंदी स्टोरीज दी हुई हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि सारा जीके का कॉन्सेप्ट हो गया, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होते हैं, इसमें देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ, माई सेल्फ, माई बॉडी, गुड हैबिट्स, माई फैमिली, माई स्कूल, एनिमल्स, हाउसेज, फूड, ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी ऑन रोड, हेल्पर्स, प्लांट्स एंड फ्लावर्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सीजन्स, क्लोथ्स वी वेयर, ये सारे कंटेंट इसमें हैं। इससे रिलेटेड वर्कशीट्स दी हुई हैं, बॉडी पार्ट्स, गुड हैबिट्स से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, बच्चे को राइटिंग वर्क, थोड़ी सी एक्टिविटीज़, ये देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसमें वर्कशीट्स दी हुई हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की भी एक असाइनमेंट बुक है, इसमें भी सारे जो कॉन्सेप्ट वर्कबुक में है वो सारे हैं, उससे रिलेटेड और कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, लिखने का राइटिंग वर्क, देन एक्टिविटी वर्कशीट्स, ये सारा कुछ है, कम्युनिटी हेल्पर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। सो ईवीएस की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की 2 books हैं। देन कम्स हिंदी, हिंदी की भी यहाँ पे 2 books दी हुई हैं, एक कार्य पुस्तिका जो कि वर्कबुक है, इसमें सारे अक्षर से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो, अक्षर की प्रैक्टिस, एक बड़ा अक्षर दिया हुआ है रिकॉग्नाइजेशन के लिए बच्चों के, और सारे इसमें अक्षर की प्रैक्टिस है। उसके बाद लास्ट में हैं आपके वर्ड्स हैं, टू लेटर वर्ड्स की वर्कशीट है, लिखने के लिए है, देन लेटर वर्ड्स हैं। ये हो गई एक बुक हिंदी की कार्य पुस्तिका, और हिंदी की अभ्यास पुस्तिका, ये भी आपकी प्रैक्टिस बुक है, जो कि जैसे इंग्लिश और मैथ्स की प्रैक्टिस बुक है वैसे ही हिंदी की बुक दी हुई है। इसमें भी सारे अक्षर है, इसमें भी आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं बच्चों को, आप सारी इनको प्रैक्टिस करा सकते हैं हिंदी के वर्ड्स। फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, श्रुतिलेख के लिए जगह दी हुई है, वाक्य को, सो एक ही भी अच्छी प्रैक्टिस, इसकी कुछ वर्कशीट्स, राइटिंग के लिए जगह है, को हिंदी बीच भी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सारा कुछ मिल जाएगा। और ये है आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक, क्राफ्ट वर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। सो ये है किंडरगार्टन की ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की बुक, जो कि बहुत ही अच्छे, मैंने अपनी बेटी को इसी से पढ़ाया है, होम स्कूलिंग कराई है इससे, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बुक रिकमेंड करती हूँ। सो आई होप कि आपको भी बहुत अच्छे पता, और बहुत रीज़नेबल रेट पे हैं ये, जो मार्केट में आपको स्कूल में बहुत हज़ारों की बुक्स लेनी पड़ती हैं। ये बुक्स का सेट 13 books हैं, इसमें 13 set of books हैं, बट बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे हैं ये, आपको 1300-1400 में ये पूरा सेट मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। सो आई होप के आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।